ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करने की अनिवार्यता अब नहीं होगी। सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री की शुरुआत कर दी है। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी भी मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 10 मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के सवाल पर सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि इससे मंत्रालय देश के ज़्यादा अनुभवी लोगों को लाभ ले पाएगा और मंत्रालयों में आईएएस की कमी को पूरा कर पाएगा। विज्ञापन के मुताबिक लेटरल एंट्री के तहत होने वाली ज्वाइंट सेक्रेटरी का कार्यकाल 3 साल का होगा। अगर कामकाज संतोषजनक रहता है तो उनके कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूरे मामले पर कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है, साथ ही स्पष्ट है कि हम सबसे योग्य लोगों को मंत्रालय में लाना चाहते हैं। निजी क्षेत्र में सरकार में अफसर बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। 30 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 15 साल का आवेदन के लिए जरूरी है। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए न्यूनतम उम्र 40 साल होना शर्त रखी गई है, जबकि अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गई है। प्राइवेट नौकरी से सीधे इस पद पर नियुक्त होने वाले लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी वाली सारी सुविधाएं और वेतन मिलेंगे। इनका वेतन केंद्र सरकार के अंतर्गत ज्वाइंट सेक्रेटरी वाला होगा। सारी सुविधा उसी अनुरूप ही मिलेंगी। इन्हें सर्विस रूल की तरह काम करना होगा और दूसरी सुविधाएं भी उसी अनुरूप मिलेंगी। मालूम हो कि किसी मंत्रालय या विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद काफ़ी अहम होता है और तमाम बड़े नीतियों को अंतिम रूप देने में या उसके अमल में लाने में इनका अहम योगदान होता है। इनके चयन के लिए बस इंटरव्यू होगा और कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में बनने वाली कमेटी इनका इंटरव्यू लेगी। योग्यता के अनुसार सामान्य ग्रेजुएट और किसी सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में 15 साल का अनुभव रखने वाले भी इन पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन में योग्यता में तय किया गया है कि कहीं पर भी 15 साल का अनुभव रखने वालों के सरकार के टॉप ब्यूरोक्रेसी में डायरेक्ट एंट्री का रास्ता खुल गया है। इसकी अंतिम तिथि आवेदन की अंतिम तारीख 30 जुलाई है। शुरुआती पहल के अनुसार अभी सरकार 10 मंत्रालयों में एक्सपर्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति करेगी। ये 10 मंत्रालय और विभाग निम्न हैं: फाइनेंस सर्विस, इकोनॉमिक्स अफेयर्स, रोड ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, शिपिंग, पर्यावरण, रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल एविएशन और कॉमर्स। इन मंत्रालय और विभागों में नियुक्ति कर विशेषज्ञता के हिसाब से ही पोस्टिंग होगी। पहली प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद ही ये प्रस्ताव 2005 में ही आया था, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद फिर से दूसरी प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में भी इसकी अनुशंसा 2010 में की गई थी, लेकिन इसकी गंभीर पहल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई। इसको लागू करने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि तमाम ब्यूरोक्रेसी इस प्रस्ताव को विरोध और आशंका दोनों कर रही थी। पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद मूलतः इस प्रस्ताव में आंशिक बदलाव कर इसे लागू कर दिया गया है। पहले प्रस्ताव के अनुसार सेक्रेटरी स्तर के पद पर भी लेटरल एंट्री की अनुशंसा की गई थी, लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेसी के विरोध के कारण अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर ही इसकी पहल की गई है। सरकार का मानना है कि लेटरल एंट्री आईएएस अधिकारियों की कमी को पूरा करने का भी प्रभावी जरिया बनेगा।